फिलहाल तो चला नहीं पा रही शायद, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से कह रही है कि हमारा काम आप करके दें। ये सारी चाबियां हैं हॉस्पिटलों की। हमारा अशोक गहलोत साहब से, सरकार से निवेदन है कि ये मुफ्त में काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें हमारे स्टाफ की तनख्वाह भी देनी पड़ती है। 54 कानून है, 54 लाइसेंस है, जिनकी हमें फीस देनी पड़ती है। हम कहीं भीख मांग के गुजारा कर लेंगे या कोई और काम कर लेंगे। इंदिरा रसोई में खाना खाएंगे हम कल से। वो उसके 8 रुपए नहीं। RTH कानून के विरोध में पूरे प्रदेश में चिकित्सक हड़ताल पर है, निजी चिकित्सक हड़ताल पर है, कोई भी कार्य नहीं कर रहे। सरकार ने पहले हमें वार्ता के लिए बुलाया था और उसमें मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी, जिसमें बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार जो बिल लेकर आई वो वादा खिलाफी करके उसमें से वो सहमति में जो बातें बनी थी वो सब हटा दी और एक तरह से धोखाधड़ी का काम किया, जिसके लिए पूरे प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे वाहन रैली निकाली है और जो पूरे कल से हमने हॉस्पिटल बंद कर रखे हैं वो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज जयपुर में एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया है सरकार ने, पता नहीं डर गई है या तानाशाही पर उतर आई है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई महिला चिकित्सकों को भी चोट आई है। एक तरफ तो बंदर बांट कर रहे हैं, जिले बना दिए, ये बना दिए। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स लगाएं, एक एक डॉक्टर पर डबल काम का बोझ दे रखा है, उस जगह पे अपनी व्यवस्थाएं सुधारें बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों पे शिकंजा कस के उनको बर्बाद करने के। हमारी सरकार से पुनः मांग है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर सरकार की इसमें रजामंदी नहीं थी, जो हमारी सहमति बनी थी उसको बदलने की रजामंदी सरकार की नहीं थी, तो जिन अधिकारियों ने उसको बदला बिना सरकार की मंजूरी के उन पे कार्रवाई करें, और नहीं तो सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें।